गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 1 नवंबर, नया महीना नई उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं। और इस महीने आप अधिक से अधिक पढ़ने का संकल्प लें कि आप इस बार या इस महीने सबसे अधिक जो समय होगा वो अपनी स्टडी, अपने अध्ययन को देंगे, और जिसमें आपका समय ज्यादा किल होता है एक बैड हैबिट को आप छोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक आपके सामने है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आपके मन में भी होगा। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखिए, सर्च करिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। पर्षदी शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले में जो तकनीकी दिक्कत थी वो दूर हो गई है। कल से यानी कि 2 नवंबर से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। तो ये जानकारी जो सचिव हैं बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल, उनके द्वारा दी गई है। बेसिकली सचिव की ओर से जो पत्र जारी किया गया है उसमें ये बताया गया कि हाथरस, प्रयागराज, मिर्जापुर, देवरिया के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने बताया था कि अंतर जनपदी जो स्थानांतरण होना है उसके लिए जो डेटा है वो लॉक नहीं था, तो डेटा लॉक करने के लिए थोड़ी सी प्रक्रिया बाधित हुई थी। अब फिलहाल ये शुरू हो गई है और 2 और 3 नवंबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतर जनपदी स्थानांतरण रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्रों को OTP के माध्यम से लॉक किया जाएगा। 2 से 10 नवंबर तक पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से पूर्ण किया जाएगा। 11 से 13 नवंबर तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्रों को OTP के माध्यम से लॉक किया जाएगा। तो ये टाइम टेबल आपके सामने है। 69,000 में जून के महीने में जो आदेश रिजर्व हुआ है कट ऑफ से संबंधित, वो आदेश उम्मीद की जा रही है कि 4 नवंबर को आ सकती है, क्योंकि 4 नवंबर को जस्टिस यू ललित जी, शांतनु जी और विनीत शरण जी की बेंच फिर से बैठ रही है साथ साथ, तो ऑर्डर आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि यह कोई बहुत ही श्योर नहीं है, यह एक अनुमान है कि जो आदेश है वो 4 नवंबर को जारी हो सकता है। तो ऐसी उम्मीद है तो आपको बता देते हैं, और हो सकता है कि 4 नवंबर को आदेश आ ही जाए तो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। TGT और PGT में जो तदर्थ शिक्षक हैं वो 2 कैटेगरी में हैं, 2000 से पहले वाले और 2000 के बाद वाले। तो 2000 के पहले जिनकी नियुक्ति हुई है उनके बारे में तो यही कहा गया कि उसमें सभी शिक्षकों को बेनियमित यानी कि अस्थायी उनको कर दिया गया है, लेकिन अभी भी तमाम शिक्षक ऐसे हैं जो बेनियमित नहीं हो पाए हैं, तो वो थोड़े से कन्फ्यूजन में है कि वो इस भर्ती में जो तदर्थ शिक्षकों के लिए भी हो रही है तो इसमें आवेदन करें या ना करें। तो ये 2000 के पहले वाले टीचर हैं जो बेनियमित नहीं हो पाए हैं, तो वो थोड़े से असमंजस की स्थिति में हैं। और 2000 के पहले के कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि अब तक बेनियमित यानी कि अस्थाई नहीं है, लेकिन कहा गया कि वो अस्थाई कर दिए गए हैं, तो फिलहाल ये एक असमंजस है। और BSc गणित वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि इस बार अगर किसी ने BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से किया है तो वो साइंस और गणित, ठीक है, दोनों में आवेदन कर पाएंगे। वहीं पर एक मतलब हताशा वाली बात है कि बायो वर्ग से BSc करने वालों को अभी तक अवसर नहीं मिला है। हालांकि सूचना प्राप्त हो रही है कि 5 नवंबर तक जीव विज्ञान पर निर्णय लिया जाएगा। और दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार की जो TGT और PGT की भर्ती है वो रिकॉर्ड समय में पूरी हो जाएगी। TGT में इस बार जो है इंटरव्यू नहीं है, तो जो इंटरव्यू में बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो बच जाएगा, और पदों की संख्या भी बहुत अधिक है, 12,913 पद, लगभग 13,000 पद हैं। तो प्रत्येक में जो है अगर इंटरव्यू होता तो समय ज़्यादा लगता, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है सिर्फ एक रिटर्न एग्ज़ाम पर डिपेंड करती है, और रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारियाँ भी शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल जो टाइम टेबल अनुमानित है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुल जोड़कर देखा जाए तो TGT और PGT में 15,508 पद हैं, और अभी जो है जो प्रिंसिपल के पद आने थे वो नहीं आए हैं, वो भर्ती 2-3 महीने के बाद आने की उम्मीद है। तो क्या रीज़न है इस पर मैं आगे आपको बता रहा हूँ। फिलहाल अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं TGT और PGT में तो आप upscssb.org पर जाइए, वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। पूरा जो है नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा studywithgyanprakash.com पर भी सारी जरूरी सूचनाएं आपको प्रदान कर दी गई हैं। तो फिलहाल देखा जाए कि तो परीक्षा कब होगी, तो फ्रेंड्स अब क्योंकि ऑनलाइन आवेदन जो होंगे वो पूरे नवंबर पर चलेंगे, तो नवंबर के बाद और प्रश्न पत्र को तैयार करने में, मॉडरेशन आदि में 3-4 महीने का समय तो लगता ही है।
मार्च या अप्रैल में परीक्षा का अनुमान है, मार्च या अप्रैल में परीक्षा हो सकती है, याद रखिएगा। और जो परीक्षा होगी वो मंडल मुख्यालयों पर होगी, तो आपका जो भी जिला होगा वहीं पर परीक्षा आपको देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में रिजल्ट जुलाई 2021 से पहले घोषित होना है, तो बहुत जल्द यानी कि मार्च अप्रैल में अगर परीक्षा हो जाती है तो, क्योंकि परीक्षा जो है ये MCQs होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो इसको मशीन के द्वारा ही जांचा जाएगा और रिजल्ट भी आसानी से निकल आएगा। और TGT में साक्षात्कार नहीं है तो आगे कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और ज्वाइनिंग दे देनी है। वहीं पर जो 12,913 पद हैं तो ये TGT के हो गए। PGT में जो लगभग 2595 पद हैं इस पर साक्षात्कार होना है, तो परीक्षा तो दोनों साथ साथ ही होगी। एक बात और भी क्लियर कर दूं कि अलग अलग विषयों की जो परीक्षा होती है वो अलग अलग समय पर होती है। अगर कोई अभ्यर्थी, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी साइंस और गणित दोनों TGT में आवेदन करना चाहता है तो कर सकता है, दोनों की परीक्षाएं अलग अलग डेट पे होती हैं या कम से कम अलग अलग पालियों में होंगी, और TGT और PGT में भी आप आवेदन कर पाएंगे। कल किसी ने सवाल किया था, कोई महिला अभ्यर्थी थी, उन्होंने कहा था कि वो एक वर्ग में, मतलब वो दो विषय में आवेदन करना चाह रही हैं, तो एक विषय में बालक वर्ग और एक विषय में बालिका वर्ग में क्या वो आवेदन कर सकती है? बिल्कुल आप कर सकती हैं, यू आर फ्री टू चूज। तो इस प्रकार से ये भर्ती बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी अगर तकनीकी रूप से कोई अड़चन नहीं आती है तो। फिलहाल जीव विज्ञान एक विषय था और उसको इस नोटिफिकेशन में जगह नहीं दिया गया है, तो जो अभ्यर्थी वो मांग कर रहे हैं, तो बस यही एक छोटी सी दिक्कत मुझे समझ में आती है, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक रहे और भर्ती भी जल्दी पूरी होनी चाहिए। TGT और PGT 2020 LT में चयन, TGT में नहीं। तो देखिए मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि क्योंकि जीव विज्ञान का पद जो है वो इस भर्ती में विज्ञापित नहीं हुआ है, तो जिस प्रकार से अगला जो विज्ञापन आने वाला है प्रधानाचार्य वाला 2-3 महीने बाद, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है कि इसी विज्ञापन में या फिर एक नया विज्ञापन भी बायोलॉजी अगर मान्य हो जाता है तो उस पर जारी किया जा सकता है, संभावना है। तो ये भर्ती भी 7-8 महीने में पूरी करवा ली जाएगी, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ, तैयारी आप लोग करते रहिए। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो LT ग्रेड से चुने जाते हैं टीचर वो लोग राजकीय विद्यालयों में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, वहीं पर जो मतलब कि जो एडेड स्कूल होते हैं तो उसमें TGT और PGT के द्वारा भर्ती की जाती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है LT ग्रेड और TGT PGT में, तो इसको अब आप लोग समझ गए। जो अशासकीय सहायता प्राप्त होते हैं यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज होते हैं विद्यालय, और उनको गवर्नमेंट जो है पैसा देती है, ऐड करती है, सैलरी जो है गवर्नमेंट देती है, मैनेज बाई एक मैनेजमेंट कमेटी, तो उसको कहते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड माध्यमिक कॉलेज। तो यहाँ पर एक जो बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय कॉलेजों की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2018 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षकों के 1673 पदों का विज्ञापन जारी किया था। हालांकि भर्ती में मात्र 898 बालकों के पदों के सापेक्ष 30 बालक और बालिकाओं के लिए 775 पद थे, तो उस पर मात्र 6 यानी कि कुल मिला के 1673 पदों में मात्र 30 और 36 लोग ही चयनित हो सके, बाकी की सारे के सारे पद खाली रह गए। लेकिन कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती एडेड कॉलेजों में नहीं हो रही है, राजकीय कॉलेजों में हो रही है, एडेड में नहीं हो रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कहना है कि अध्यापन जिलों से DIUs भेजते हैं उसमें कंप्यूटर शिक्षक का जिक्र नहीं है, और राजकीय कॉलेजों में जीव विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए 336 बालक और 259 बालिकाओं का चयन किया गया है LT के माध्यम से, वहीं पर एडेड में इस बार विषय नहीं है। 2016 वाली जो भर्ती थी उसमें से ही जीव विज्ञान को निरस्त कर दिया गया था, हालांकि कोर्ट के आदेश पर लिखित परीक्षा कराने की हामी भरी गई थी, परीक्षा अभी तक हुई नहीं है, और वर्तमान में जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें भी जीव विज्ञान विषय नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के ही दोनों मतलब कॉलेज हैं, दोनों में ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है जो कि थोड़ा सा असंगत लगता है। और प्रधानाचार्यों की भर्ती के बारे में बात कर लें तो कुल 1453 पद होंगे और इन पदों पर भर्ती 3 महीने के बाद शुरू होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि चयन बोर्ड अब 2013 में शुरू प्रधानाचार्य भर्ती की साक्षात्कार प्रक्रिया को शुरू नहीं कर पाया है। प्रधानाचार्यों के 634 पदों पर चयन के लिए साक्षात्कार जनवरी में प्रस्तावित है, जिसके बाद जनवरी फरवरी के पहले सप्ताह में 1453 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। तो ये जो साथ में जारी होना था TGT PGT और प्रिंसिपल के पद के लिए, तो प्रिंसिपल की जो भर्ती होगी वो अब 2-3 महीने के बाद कराई जाएगी, ये सूचना प्राप्त हो रही है। दोस्तों अगर आपके पास अभी तक TGT और PGT का सिलेबस नहीं है
तो आप इसके लिए studyvidyanprakash.com पर जाइए, वहां पर आपको पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक दे दिया गया है। डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश और टीजीटी पीजीटी 2020 पर भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ये दो टेलीग्राम चैनल हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही नई दिशा और एक धार दे सकते हैं। तो ये दोनों टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। studyvidyanprakash.com पर विजिट करके सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और studyvidyanprakash.com पर आपको प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। फिलहाल कर्मचारी चयन आयोग ने एमटीएस परीक्षा 2019 के पेपर टू का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया है। आयोग ने परिणाम के साथ कटाप भी जारी किया है। परिणाम दो अलग अलग ग्रुप में जारी किया गया है। पहले ग्रुप में 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के 17,004 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वहीं दूसरे ग्रुप में 18 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के 3,898 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो जो पूरा परिणाम है वो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जाइए देखिए। और अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाए जाते हैं। यूपी विधानसभा उपचुनाव जो कि 3 नवंबर को होने जा रहा है, तो 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर चुनाव है मतदान के दिन, वहां पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जानकारी प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री जितेंद्र कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर दिन मंगलवार को अमरोहा के 40, नौगांवा सदात, बुलंदशहर के 65, बुलंदशहर, फिरोजाबाद के 95, टुंडला, उन्नाव के 162, बांगरमऊ, कानपुर नगर के 218, घाटमपुर, देवरिया के 337, देवरिया और जौनपुर के 367 मलनी विधानसभा में अवकाश घोषित किया गया। यानी कि प्रदेशी नहीं है, जहां जहां पर चुनाव है वहां पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। और दोस्तों शिक्षा में बढ़ते वर्चुअल कदम, कक्षा 10 और 12 के अभ्यर्थियों के लिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश डीडी यूपी चैनल और कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए चैनल ई विद्या 9 और ई विद्या 11 पर शैक्षणिक जो वीडियो हैं वो अवेलेबल हैं। ये 2 नवंबर से 6 नवंबर का जो लर्निंग कार्यक्रम है वो आपके सामने है, कक्षा 10 और 12 के लिए नोट कर लीजिएगा। और ये जो टाइम टेबल है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी अवेलेबल करवा दिया गया है। और इसी के साथ कक्षा 9 और 11 के लिए जो ई विद्या चैनल है उस पर भी जाकर आप अपने बच्चे की पढ़ाई करवा सकते हैं। तो समय भी नोट कर लीजिएगा, प्रातःकाल 8:30 से 9:30 बजे तक, फिर 9 से 9:30 बजे तक, फिर शाम को 6:30 से 7 बजे तक, 7 से 7:30 बजे तक ये कार्यक्रम जो प्रसारित होते हैं। सुबह की शिफ्ट में कक्षा 9 और शाम की शिफ्ट में कक्षा 11। इसी प्रकार से कक्षा 10 के लिए मॉर्निंग शिफ्ट 1 से 2 बजे तक, 3:30 से 4 बजे तक, 4:30 से 5 बजे तक, और इसी प्रकार से कक्षा 12 के लिए भी 1 बजे से कक्षाएं जो हैं वो चलती हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है, टाइम टेबल है, ये आपके सामने है, इसे नोट कर लीजिएगा। बाकी के चैनल जो हैं वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि जियो टीवी ऐप, डिश टीवी, जियो टीवी ऐप पर भी आप देख सकते हैं इन कार्यक्रम को। और डिश टीवी चैनल 950, वीडियो कॉन चैनल 447, एयरटेल, पूरी जानकारी आपको ये जो 2 पीडीएफ है इस पर अवेलेबल करवा दी गई है। टेलीग्राम चैनल पर आइए, ये टाइम टेबल नोट करिए और अपने बच्चे की पढ़ाई को अच्छे से करवाइए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।